हेलो बच्चों, कल तक हमने सीखा था कि कोई भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे करते हैं, चाहे वो नंबर 1,000 तक न हो, 10,000 तक हो, कैसा भी नंबर हो, हमने कल देखा था कि उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैं एक बार रिवीजन के लिए आपको बस रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने ये देखा था कि कोई नंबर अगर 2 डिजिट में है, 3 डिजिट में है, 4 डिजिट में, चाहे कितने भी डिजिट का हो, तो हम दो मेथड सीखे थे। एक मेथड सीखे थे हम कि ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर वाला मेथड था, कि उसमें हम नंबर्स को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड हमने सीखा था, बेस मेथड सीखा था। और हमने ये सीखा था कि ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर वाला मेथड कब लगाएंगे, जब छोटे नंबर हो, और जब बड़े नंबर हो उसमें बेस मेथड का यूज करेंगे। बेस कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी बेस लेंगे, बस उस बेस से मल्टीप्लाई करना है। बेस कहने का मतलब है, अगर आप बेस 2,000 ले रहे हैं और वो नंबर 2,000 से अगर 10 बड़ा है, तो उस नंबर में 10 पहले ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे ना, ऐड करने के बाद 2,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर जितना, अगर दो कोई नंबर है वो 2,000 से बड़ा है, तो कितना बड़ा है उसको उस नंबर में हम ऐड करेंगे, उसके बाद बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, जितना वो बड़ा था उसको स्क्वायर करके हम सबको ऐड कर देते हैं। हमने सीखा, मैं ओरली बता रहा हूँ, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि हम बेस मेथड और ए स्क्वायर प्लस 2AB बी स्क्वायर वाला मेथड मिक्सअप करके भी लगाते हैं, जब कहीं कहीं हमें स्क्वायर करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैं बोलूं कि 2412 का आपको स्क्वायर करना है, 2400 2412 का स्क्वायर करना है, तो आप इसका अगर बेस 2000 लोगे या बेस क्या ना 2400 ले रहे हो आप बेस, तो आपको फिर भी 12 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, फिर वही आप 1/2, फिर ए स्क्वायर प्लस 2AB बी स्क्वायर वाले अप्रोच को लगाओगे, तो ये मिक्सअप मेथड यूज कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल कहने का मोरल ये है कि अगर नंबर छोटे हैं तो वहां पर ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर वाला यूज करेंगे, और अगर नंबर बड़ा है तो बेस मेथड का यूज करेंगे। अब हम सीखेंगे कुछ स्पेसिफिक नंबर के बारे में, कि कुछ स्पेसिफिक नंबर के कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कोई नंबर है 11 है, 11 का हमें स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि 11 में 1 1 कितनी बार है, दो बार है, तो बस 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, क्योंकि दो बार है, और फिर एक बार नीचे उतर जाएंगे। फिर से देखो 1 1 3 है, 1 1 1 तीन बार 1 है, उसका स्क्वायर करना है, 111 का स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, 111 के स्क्वायर करने में हम ये करेंगे कि एक कितनी बार, तीन बार, तो तीन बार लिखो, 1 2 3, माने एक तीन बार है, तो 1 से लेकर 3 बार तक बढ़ते जाएंगे, फिर उतनी उसके बाद उतर जाएंगे। कैसे उतरेंगे, 3 है उससे कम 2 फिर 1, ठीक है। लास्ट में यहां से स्टार्ट किए, यही लास्ट में आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना, 1111 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, 1 से लेकर इसमें इसमें देखो कितने कितने 4 बार है, 4 बार है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, 1 2 3 4, मैंने क्या बोला, फिर आपको 1 तक पहुंचना है, फिर कैसे 1 तक पहुंचोगे, 3 2 1 ऐसे करना है। फिर से देखो, एक नंबर है 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर करना है, तो इसको क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे डिजिट, अब दूसरा स्पेसिफिक नंबर हम लेते हैं, क्या स्पेसिफिक नंबर लेंगे, अब देखते हैं,
ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि कोई नंबर ऐसे तीन में है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे लिखोगे? स्पेसिफिक नंबर के बारे में बता रहा हूं, इसको लिखने के लिए क्या करना है, पहले तीन है इसका यूनिट डिजिट क्या है, तीन है, तो पहले तीन का स्क्वायर क्या लिखोगे, दो। 33 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, थ्री है, ठीक है। तो अब थ्री का स्क्वायर में ऐसे लिखोगे, दो डिजिट में लिखोगे, मतलब वंस और टेंस प्लेस तक लिखोगे, मतलब कैसा ऐसे 09। अब क्या करना है आपको, तीन कितनी बार है इसमें, दो बार है, तो आपको क्या करना है, नौ से एक कम आना है, आठ आना है, और इधर क्या करना है, जीरो से एक ज्यादा जाना है, ठीक है ना, जीरो से एक ज्यादा, नौ से एक कम। देखो फिर से थ्री 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 स्क्वायर, क्या करना है आपको, तीन का नौ दो डिजिट पे लिखना है, तो 09। अब क्या करना है, तीन बार है, 333 में तीन बार शामिल है लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, दो बार हम कम कर जाएंगे, नौ से एक कम आठ, आठ लिखेंगे, अब जीरो से एक ज्यादा एक एक लिखेंगे, ठीक है। फिर से देखो थ्री 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 थ्री, इसका स्क्वायर करना है, क्या लिखेंगे 09, फिर क्या लिखेंगे, चार बार शामिल है तो तीन बार लिखेंगे, नौ से एक कम करेंगे आठ आठ आठ, इससे एक ज्यादा 111। देख लो चलो अब देखो एक स्पेसिफिक नंबर, अब देखो इसको एक एक तरीके से और भी कर सकते हो, जैसे आपको मैं ऐसे बोल दिया 33 का 333 का स्क्वायर करने के लिए, तो एक तो अभी रूल बताया मैं, 09 लिखे, इसमें तीन तीन जो है वो डिजिट तीन बार रिपीट है, तो क्या करना है, दो बार लिखना है, दो बार में क्या लिखना है, नौ से एक कम आठ आठ, और जीरो से एक एक ज्यादा दो बार, ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे, क्या करना है आप ऐसे ना, थ्री 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 ये स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है थ्री इंटू वन 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 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है देखो, अब इसको ये थ्री इंटू वन 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 का स्क्वायर है, तब इसमें देखो कैसे करेंगे, नाइन को जब इसको तोड़ोगे तो नाइन नाइन हो जाएगा, और अभी इसका भी स्क्वायर करना है, देखो मैं समझाने के लिए फिर से और अच्छे तरीके से समझा, क्या इसको इसको जब बाहर निकालोगे ब्रैकेट से तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वन 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 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखोगे, ये तो नाइन हो गया और ये कैसे लिखोगे, अभी बताया था वन का वन टू वन, वन टू थ्री, तीन बार है टू वन, वन टू थ्री टू वन, अब इसे मल्टीप्लाई करो ना, इधर देखो मैं लिखता हूं, मल्टीप्लाई करो कैसे, कितना आएगा, नौ एक कम नौ, नौ दूनी अठारह, नौ त्रिक सत्ताईस एक अट्ठाईस, नौ दूनी अठारह दो बीस, नौ एक कम नौ दो ग्यारह, देखो देखो सेम आंसर आया है कि नहीं, देखो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम एक स्पेसिफिक नंबर और लेते हैं, जैसे कि 66 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। देखो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया, 11 वन वाला 11 का, उसके बाद 33 का, अब 66 वाले का चल करने जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि वन रिपीट हो रहा है, वन 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 ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, थ्री 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 ऐसे बढ़ता जा रहा है, सिक्स 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 बढ़ता जा रहा है, अब एक नाइन 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 उसका डिस्कशन करेंगे। पहले सिक्स का क्या लिखना है, पहले छह का स्क्वायर कर लो, 36 लिख के ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो अभी बताया था छह कितनी बार शामिल है, दो बार, तो एक एक बार लिखना है, क्या लिखना है, एक बार छह से कम लिखना है और तीन से एक ज्यादा लिखना है, ठीक है। जैसे देखो छ छ छ का स्क्वायर क्या करना है, समझो छ छ का 36 लिखना है, फिर क्या करना है, छह तीन बार शामिल है तो दो बार उसके अंदर लिखना है, उसके बीच में क्या लिखना है, मैं क्या बोल रहा हूं, छह
6663 बार 6 डिजिट है, तो इसके अंदर हम दो बार लिखेंगे, तो दो बार क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 5 से 6 से 1 कम 5 फिर 5। अब इधर 3 से 2 बार ज्यादा लिखेंगे क्या ज्यादा लिखेंगे, 3 से 1 ज्यादा 4 4, मतलब कि ये 6 3 बार है तो इसके बीच में दो दो डिजिट फील होंगी। वो डिजिट क्या फील होंगी, कहने का मतलब है कि 6 से 1 कम क्या आएगी 5 5 और 3 से 1 ज्यादा 4 4। ठीक है, चलो फिर से एक बार देखते हैं और करके। जैसे देखो 3 3 3 3 का स्क्वायर करना है, ठीक है, क्या कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिख लेना है 6 6 जैसे 6 6 6 6 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 6 6 का 36 लिख लेंगे। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये 6 4 बार लिखा हुआ है तो इसके बीच में हम 3 बार लिखे कुछ लिखेंगे और इसके आगे 3 बार कुछ लिखेंगे, 3 और 6 के बीच में 3 डिजिट को कुछ फील करेंगे और 3 के लेफ्ट साइड में 3 डिजिट को फील करेंगे, और वो 3 डिजिट क्या होगा मैं उसके बारे में बता रहा हूं, वो डिजिट होगा 6 से 1 कम 5, वही 5 फील करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, इसके 3 के लेफ्ट में वो क्या होगा, 3 से 1 ज्यादा, क्या ज्यादा होगा, बस ये मेरे कहने का मतलब ये। चलो अब इसी तरह 9 वाले का भी देख लो। अब देखो इसी तरह 9 वाले का कोई नंबर है जैसे कि 9 9 9 9, ठीक है, चलो छोटा ले लेते हैं 9 9, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है तो कैसे हम लिखेंगे, 9 का सीधे लिखेंगे, पहले 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 लिख दिए, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट में है तो इसके बीच में 1 डिजिट फील करेंगे, इसके बीच में और इसके लेफ्ट साइड में 1 डिजिट फील करेंगे, वो क्या फील करेंगे, 1 से कम 0, 8 से 1 ज्यादा 9, ठीक है। जैसे देखो 9 9 9 स्क्वायर है, अब इसमें पहले क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर 81, अब क्या करेंगे, ये 3 बार लिखा हुआ 9 9 9 तो इसके बीच में 2 डिजिट फील करेंगे और इसके लेफ्ट साइड में 2 डिजिट फील करेंगे, वो डिजिट क्या फील करेंगे, क्या भर इसके बीच में लिखेंगे 1 से 1 कम 0 0, 8 से 1 ज्यादा 9 9, बस यही करेंगे, ठीक है। अब एक 4 डिजिट का भी देख लो, जैसे 9 9 9 9 9, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या लिखोगे आप, पहले तो आप लिख लो 81, अब इसके 1 2 3 4 5 5 है तो हम 4 बार फील करेंगे, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में भी 4 बार फील करेंगे, अब क्या फील करेंगे, 1 से कम 0 0 0 0, 8 से ज्यादा 1 ज्यादा 9 9 9 9, ठीक है, देख लो। तो ये हो गया स्पेसिफिक नंबर का कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक नंबर का हम किस तरह स्क्वायर करेंगे। अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ये जानेंगे ना, स्क्वायर रूट भी 2 तरह से निकालेंगे, एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम ये जानना है कि हमको कैसे पता करेंगे नंबर स्क्वायर रूट स्क्वायर में है कि नहीं। किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पहले तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हमें यह पता तो होना चाहिए कि वो नंबर परफेक्ट है कि नहीं, तभी तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।